नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई दिन सोमवार। आगे राजनीति जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विजय चौधरी ने कहा, नीतीश के विरोध में अंधी हो गई है भाजपा। सर्वे में विपक्ष के संयोजक में इनका नाम आया सामने। सुशील कुमार मोदी ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर साधा निशाना। आगामी लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएंगे मुकेश सहनी, किया खुलासा। सुधाकर सिंह ने नीतीश और बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। विजय चौधरी ने कहा, नीतीश के विरोध में अंधी हो गई है भाजपा। बिहार के बेगूसराय में हुई घटना को लेकर मणिपुर जैसी घटना बताकर बिहार में मौजूद विपक्षी दल बिहार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसी को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की घटना और बिहार की घटना में लोगों को फर्क समझना चाहिए। मणिपुर में संगठित अपराध हो रहा है, बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है। मणिपुर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। केंद्र सरकार को इस पर कोई दुख नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री 4 दिन तक वहां रहे, लेकिन स्थिति नियंत्रण नहीं हो रही है। बिहार में छोटी घटना हो रही तो सरकार से इस्तीफा मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की पहल से बिहार जिन उपलब्धियों को पाता है उसे केंद्र की उपलब्धि बताकर भाजपा अनर्गल प्रलाप करती है। भाजपा के नेता नीतीश कुमार के विरोध में अंधे हो चुके हैं। बिहार सरकार को बदनाम करने में भी परहेज नहीं कर रहे। आगे उन्होंने कहा कि अब बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में गरीबी रेखा दूर करने में बिहार सबसे अव्वल स्थान पर रहा है। भाजपा के नेता इस पर गर्व महसूस नहीं कर रहे। नीतीश के खिलाफ बेंगलोर में पोस्टर लगाने वाले हुए गिरफ्तार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ 17 से 18 जुलाई बेंगलोर में विपक्षी बैठक के दौरान पोस्टर लगाने का मामला सामने आया था। अब इसे लेकर कर्नाटक पुलिस ने इस मामले को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ये लोग बेंगलोर के सेसाद्रीपुरम के रहने वाले हैं। इनका नाम श्रीराम, नंद कुमार और मोहन बताया गया है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि श्रीराम ने पोस्टर लगाने का प्रायोजित किया था। इन्हें आरोपी नंद कुमार की प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था। पोस्टरों को मोहन के टेम्पो में ले जाया गया था। बता दें, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने नीतीश खिलाफ पोस्टर लगाने के लिए भाजपा की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि यह सब हमारे भाजपा मित्र का काम है। सर्वे में विपक्ष के संयोजक में इनका नाम आया सामने। विपक्षी दल खुद को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया भी तय कर लिया, जो हर जगह चर्चा का विषय है। इस गठबंधन में संयोजक का चेहरा कौन होगा, इस रेस में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक के नाम शामिल है। लेकिन वाकई इसका संयोजक कौन बनेगा, इस पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब इसी बीच इसे लेकर हिंदुस्तान में एक सर्वे की खबर छपी। आखिर विपक्ष के संयोजक का चेहरा कौन होगा, इस सर्वे में राहुल गांधी को अधिक तवज्जो मिली। बता दें कि सर्वे के दौरान 33% लोगों ने कहा पता नहीं, 12% ने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट दिया। वहीं 10% ने केजरीवाल, 6% ने शरद पवार, 8% ने ममता बनर्जी के नाम पर मोहर लगाई। वहीं 31% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर सहमति जताई। राजद पर प्रशांत किशोर ने कसा तन। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोलते हुए कहा कि आज लोकसभा के 543 सांसदों में से आरजेडी के 0 सांसद हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि आरजेडी बहुत बड़ा दल है, लेकिन चुनाव की समझ हमको भी है। पिछले 10 सालों में हमने भी यही काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां बन गई जिसके चलते उनके 20-30 विधायक ज्यादा जीत गए। अगर कोई अपने घर के बाहर प्रधानमंत्री की कुर्सी और उनका पोस्टर लगा दे तो इसका क्या मतलब है। कल को अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई किसी को बैठा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। आज आरजेडी का खुद का ठिकाना नहीं है और वो देश को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे। आरजेडी की राजनीतिक ताकत बस इतनी सी है कि वो अपना एक सांसद आज बिहार में जिता नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि देश की जनता बेवकूफ नहीं है। आरजेडी जैसी पार्टी हर राज्य में है, आज बिहार में आरजेडी की कोई ताकत नहीं है। सम्राट चौधरी ने पीएमसीएच के अधीक्षक को लिखा पत्र। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता की मौत पर आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि नीतीश सरकार की दीपापोती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेता की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज से हुआ है। अब इसी को लेकर पीएमसीएच के अधीक्षक को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा पत्र लिखा गया है। उन्होंने पत्र के जरिए कहा कि 13 जुलाई को भाजपा द्वारा पटना में आयोजित शांतिपूर्ण जुलूस में शामिल जहानाबाद के हमारी पार्टी के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। शव का पोस्टमार्टम पटना मेडिकल कॉलेज में किया गया था, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरा विवरण और वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने की मांग है। सुधाकर सिंह ने नीतीश और बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर कही ये बात।
जब राजद विधायक सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को लेकर यह सवाल किया गया कि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कृषि विभाग की एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक में विभागीय मंत्री उपस्थित नहीं थे। इसके जवाब में सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई भी सरकारी काम करने के लिए एक बार जन प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। किसी भी बैठक की गंभीरता तभी होगी जब सभी स्टेक होल्डर एक साथ बैठे हैं और मंत्री विभाग का स्टेक होल्डर होता है। अधिकारी जरूरी होते हैं, लेकिन अधिकारी के साथ साथ मंत्री से भी सलाह लेनी जरूरी होती है। आगे उन्होंने बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान को लेकर कहा कि बीजेपी अपनी विदाई के लिए नामांकन अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जिन मुद्दों पर हस्ताक्षर अभियान की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर 2014 में मोदी सरकार ने चुनाव लड़ा और आज 9 साल होने के बाद भी रोजगार की खबर निकलकर सामने नहीं आई। इसके बाद आज वो हस्ताक्षर अभियान में बिहार की जनता के पास जाएंगे तो जनता हिसाब मांगेगी। सुशील कुमार मोदी ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भीड़ ने बेगूसराय में नाबालिग छात्रा को निर्वस्त्र कर पीटा, लेकिन पुलिस कुछ न कर सकी। बेतिया और रामगढ़वा में भी महिला को बांधकर सार्वजनिक रूप से पीटने और अपमानित करने की घटनाएं हुई। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी हाल के इन घटनाओं पर एक शब्द नहीं कहा। क्यों उन्हें महिला का पीड़ा महसूस नहीं हुई? महिला किसी राज्य की हो, किसी धर्म जाति की हो, लेकिन उसके साथ भीड़ की बर्बरता पर चुनिंदा चुप्पी बिलाप की राजनीति बंद होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि 3 दिन के भीतर की इन बर्बर घटनाओं पर मुख्यमंत्री और उनके ज्ञानी प्रवक्ताओं ने चुप्पी साध ली। बेशक मणिपुर की घटना निंदनीय है और प्रधानमंत्री ने भी उस पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन बेगूसराय में छात्रा से बर्बरता की घटना पर फर्जी इंडिया से जुड़े दलों को कोई ना कोई पीड़ा हुआ, ना कोई शर्मसार हुआ। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद चिराग पासवान ने कही ये बात। एनडीए की बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए में हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणाएं हो चुकी है। इसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों में न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी की जो चिंताएं थी उनको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी गठबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं चाचा पशुपति के हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर कहा जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर तय होती है, और अगर गठबंधन के तमाम घटक दल वाद विवाद उत्पन्न करेंगे ये ठीक नहीं है। बिहार के सत्ता में मौजूद इन बड़े नेताओं के बीच मुलाकात का क्या है इशारा? पिछले कई दिनों से बिहार मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा तेज है। अब इसी चर्चा के बीच बीते ही दिनों वित्त मंत्री विजय चौधरी से मिलने अचानक नीतीश कुमार पहुंचे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात की वजह मीडिया द्वारा विजय चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किसी प्रकार से राजनीतिक मुलाकात नहीं है। सीएम नीतीश यूं ही इधर से जा रहे थे तो हमसे मिलने आ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहां एक तरफ सीएम नीतीश और विजय चौधरी ने मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे और घंटों तक बातचीत हुई। अचानक से इन बड़े नेताओं की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कुछ बड़ा होने वाला है। अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। मॉनसून सत्र में हुए हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कही ये बात। सदन में लगातार हो रहे हंगामे को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं कठोरता के साथ नियम प्रक्रिया लागू करूंगा। सदन को कोई बाधित करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। मैं किसी को एक या दो बार ही वार्निंग दूंगा, उसके बाद भी नहीं माने तो फिर एक्शन ले लूंगा। बता दें कि उन्होंने ये बातें एक अभिनंदन समारोह को संबोधित करने के दौरान इस बार के मॉनसून सत्र में हुए हंगामे को देखते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस बार के सत्र में मैंने कई चीजों को करीब से देखा। इसके बाद जब मैंने फैसला ले लिया है कि मैं सदन में कठोरता के साथ नियम प्रक्रिया लागू करूंगा, उन्होंने बताया कि इस बार भी जानबूझकर सदन को बाधित करने की कोशिश की गई। अब अगली बार से सदन को बाधित करने की कोशिश की गई तो एक दो बार मैं वार्निंग करूंगा, उसके बाद हंगामा करने वाले लोगों को नियम प्रक्रिया के तहत छोड़ने वाला नहीं हूं। आप आइए मिलजुल कर सदन को चलाया जाए। सदन विमर्श की जगह है, ये झगड़ा करने की कोई जगह नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएंगे मुकेश सहनी, किया खुलासा। बीते ही दिनों विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव में कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं है। निषाद समाज को आरक्षण मिलने के बाद ही गठबंधन पर फैसला करेंगे। अभी किसी भी गठबंधन में नहीं है। लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। पिछड़ा वर्ग होने के कारण प्रताड़ित किया गया। जो हमारी आरक्षण की बातों को मानेगा हम उनके साथ हैं। वहीं मुकेश सहनी से जब यह सवाल किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए या महागठबंधन के साथ गठबंधन करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी बहुत समय है, इस पर बाद में विचार किया जाएगा। ओवैसी ने मुसलमानों पर यह दावा करते हुए सत्तारूढ़ शासन पर लगाया आरोप। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने एक धर्म विशेष को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि दशकों में पहली बार इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ नेतृत्व में कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं होगा। यह उस संदेह का प्रतिबिंब है जिसके साथ भाजपा मुसलमानों को देखती है। IB और रॉ विशेष बहुसंख्यकवादी संस्थान बन गए हैं। आप लगातार मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें समान साथी नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करते। बता दें कि ओवैसी ने एक समान
समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि सत्तर शासन लगातार मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगता है, लेकिन वे उन्हें कभी भी समान साथी नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आप पार्टी के राघव चड्ढा ने कही ये बात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया है। हालांकि इंडिया में मौजूद विपक्षी गठबंधनों को लेकर आज भी एक सवाल है कि क्या इसमें मौजूद सभी बीजेपी विरोधी आपस में तालमेल बैठक भी पाएंगे या नहीं। अब इसी बीच पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के खिलाफ एकजुट मोर्चे के नेताओं के चल रहे प्रयास के बीच पंजाब की कांग्रेस इकाई द्वारा गठबंधन पर आपत्ति जताए जाने के बाद पार्टी के साथ गठबंधन पर फैसला करना कांग्रेस पर निर्भर है। आगे उन्होंने कहा कि इस पर फैसला कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस को लेना है। हम उन्हें इस पर निर्देश देने वाले कौन होते हैं, लेकिन मैं बेंगलोर में हुई बैठक में मौजूद था। वहां सभी विपक्षी जन प्रतिनिधियों का एक ही राय थी कि देश को बचाने के लिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण शब्दों व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मतभेद और मनमुटाव को दरकिनार कर एक साथ आना होगा। मॉनसून सत्र से संजय सिंह हुए निलंबित। सदन में विपक्षी नेताओं ने मणिपुर मुद्दे को लेकर काफी हंगामा किया। इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मॉनसून सत्र के शेष अवधि के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया। बता दें कि संजय सिंह को निलंबित उनके अनियंत्रित व्यवहार को देखते हुए किया गया है। बता दें कि संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा रखा गया था। इस प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार किया। मिली जानकारी के अनुसार प्रस्ताव पेश होने से पहले संजय सिंह के अनियंत्रित व्यवहार को देखते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें चेतावनी दी थी। विपक्षी गठबंधन से नाराज नीतीश वाले अटकलों पर शिवसेना के संजय राउत ने कही ये बात। नीतीश विपक्षी एकता के दूसरे बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय नजर नहीं आए थे, जिसे लेकर भाजपा नेता कई बार बयानबाजी कर चुके हैं कि नीतीश विपक्षी गठबंधन से नाराज है। अब इसे लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, यह बीजेपी है जो इस सब के बारे में अफवाह फैला रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने को लेकर बताया कि नीतीश बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि वह समय पर राजगीर लौटना चाहते थे। फिलहाल आज के राजनीतिक खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकिशोर महतो, दयाशंकर प्रसाद, अनवर करीम खान, मनीष ठाकुर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विपक्षी गठबंधन में कौन संयोजक के लिए मजबूत चेहरा हो सकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।